हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज बात करने वाले डीएबीवी के बारे में, ओवरऑल रिव्यू कैसी है यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक ओवरव्यू से गो थ्रू करेंगे कि है ना क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, कौन कौन सी चीज़ें स्पेशल है, मतलब अलग है यूनिवर्सिटी के अंदर। एंड इसके बाद मेरा ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँगा कि मैं 2 साल से वहाँ पढ़ रहा हूँ जैसे, तो मुझे कैसा फील हुआ, जो चीज़ें उसमें इंटरनेट पर है तो कितनी चीज़ें सही है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहली सबसे पहली चीज़ जो सबके मन में आती है कि जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है ना, तो मैंने इंटरनेट पर बहुत रिसर्च करी। सो उस पर तो यही आ रहा है कि एक स्टेट रन पब्लिक यूनिवर्सिटी है जो कि 1964 में इस्टेब्लिश करी गई थी, और देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इसका फुल फॉर्म है, जो कि देवी अहिल्या बाई होलकर जो है, जो 18th रूलर क्वीन ऑफ इंदौर थी, उनके बाद रखा गया, उनके नाम पर रखा गया यूनिवर्सिटी का नाम। एंड अगर देखो मेरी बात सुनो, मुझे लगता है कि जैसे फीस तो लगती है यहाँ पे, तो आपको पब्लिक प्राइवेट से क्या करना है ना। मेरी जैसे बीकॉम की फीस यहाँ पे 18,000 समथिंग है, तो फीस तो लगनी है। बट अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो जैसे SC ST या फिर आप मेधावी छात्र हो, तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल जानी, तो फीस का चक्कर तो ऐसा ही है ना, तो आपको उससे क्या करना है। अगर कैंपस की बात करें तो कैंपस जो अपना है 764 एकर्स में ओवरऑल फैला हुआ है ना, जिसमें अपना तक्षशिला कैंपस जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पे एकेडमिक क्लासेस लगती हैं यूनिवर्सिटी की, वो अपना 510 एकर्स में है। इसके अलावा एक अवंती कैंपस है, ऑनेस्टली इसके बारे में मुझे कभी सुनने में नहीं आया, बस विकिपीडिया में ऐसा दिखा है ना, तो वो अपना 154 एकर्स में अवंती कैंपस है। अदर देन दैट नालंदा कैंपस जो है, वहाँ पे पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो यूनिवर्सिटी का है वो किया जाता है, तो वो हमारा 100 एकर्स में है। तो ये इन टोटल मिला करके 764 एकर्स का विकिपीडिया में ऐसा बताता है, बाकी तक्षशिला कैंपस 500 एकर्स का है वो मैंने देखा हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी में ओवरऑल 34 डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें स्कूल ऑफ कॉमर्स, IIPS डिपार्टमेंट, जितने भी डिपार्टमेंट हैं सब आते हैं। IIT को छोड़ करके IIT एक सेपरेट ब्रांच इंजीनियरिंग कोर्सेज इनके लिए है, उसके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मैं इधर वाले कैंपस में रहता हूँ ना, तो अलग अलग जगह पे कैंपसेस, IIT की इन्फॉर्मेशन सारी अलग है। इस वीडियो में मैं JEE एडवांस इंजीनियरिंग कोर्सेज के बारे में भी बात नहीं करूंगा। इस बीच में आपको बता दूं कि 2 से 3 दिन ही बचे हुए 26th of March जो है वो अपनी लास्ट CUET UG के रजिस्ट्रेशन की डेट है। एंड अगर आपको DAV में एडमिशन लेना है किसी भी UG PG कोर्सेज में, तो आपको जो है CUET के ही थ्रू अब एडमिशन लेना होगा इसमें, तो आप 26th of March के पहले पहले रजिस्टर कर लो, ओके। और बहुत लोग के ये क्वेश्चन भी आते हैं कि क्या हम लोग को कुछ एडिशनल फीस ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस कुछ अलग से लगती है क्या यूनिवर्सिटी के अंदर, इसका आंसर है नहीं। अगर आप CUET के थ्रू रजिस्टर करोगे, उसमें जो रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी आपको वही बस देनी है। थ्रू आउट द एडमिशन आप आओगे, काउंसलिंग होगी, उसमें आपको एक भी चार्ज नहीं देना है, उसके बाद डायरेक्ट आपको कॉलेज की फीस वगैरह ही भरना होता है, तो ये भी एक चीज़ क्लियर कर दी। अब अपने कॉलेज के मतलब यूनिवर्सिटी से 6-6 हॉस्टल्स जो हैं, 6 बॉयज़ हॉस्टल, 6 गर्ल्स हॉस्टल भी दिए हुए हैं उन्होंने, जहाँ पे सीट्स जनरली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मिली जाती है, दोनों को ही मिल जाती है, मतलब सेकेंड ईयर में भी मिल जाएगी आपको, और इसमें भी स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं SC ST स्टूडेंट्स को, अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो ये भी आपकी फ़ीस जो है रिफंड हो जाती है, मतलब साल भर बाद, ऐसा कुछ सिस्टम होता है, मुझे तो नहीं पता। आप आसपास बहुत सारे PG रहते हैं, पर्सनल फ्लैट्स लेके ऐसे भी रह सकते हो। इसके अलावा यूनिवर्सिटी में हमारे 23,450 PhD थीसिस, मोर देन 6 लाख बुक्स, और आपको 8,965 ई बुक्स आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू ये जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है। बाकी ये तो है सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है, बट वहाँ पे आपको 1300 रुपीज़ का ईयरली चार्ज देना होता है, जिसमें से शायद 1000 रुपीज़ कॉशन मनी होती है, मतलब 200 से 300 रुपीज़ आपका जो होता है ईयरली वहाँ की फ़ीस होती है, और बुक्स तो बहुत सारी है वहाँ पे। इसके अलावा आपका देखा जाए तो यहाँ पे करियर काउंसलिंग, अपॉर्चुनिटी गाइडेंस सेल, प्लेसमेंट सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, एल्यूमिनाई सेल, ये सारी चीज़ें भी यूनिवर्सिटी के अंदर है, मैंने तो नहीं देखी कहाँ है बट होंगी, लिखा तो है ऐसे ही। एंड इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी में हेल्थ केयर सेंटर है जहाँ पे हम लोग नहीं गए कभी, और डे केयर सेंटर है जहाँ पे आप अपने बच्चों को, अगर आप मैरिड हैं आप अपने बच्चों को वहाँ पे छोड़ सकते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, बट मेरे हिसाब से आप मैरिड तो नहीं होंगे अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने आ रहे हैं। प्लेसमेंट को बहुत लोगों को रहता है क्वेश्चन कि प्लेसमेंट मिलती कि नहीं मिलती, तो ऑनेस्टली अगर बताऊँ तो प्लेसमेंट यार, अगर आपको नॉलेज है, आपको किसी भी जगह कोई भी कंपनी आए या ना आए, आपको कॉन्स मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश आपकी, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए है ना, आपकी रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, आपके पास अगर ये 3 चीज़ें 4 चीज़ें हैं अच्छी, तो आप अपने थ्रू आउट द कॉलेज इनको अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि आप इसके बाद किसी भी कंपनी में जाओगे ना
कंपनियां आए चाहे ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है। लिंक्डइन, इंडीड, अपना, मतलब इतनी सारी जगहें हैं। आजकल सिर्फ नॉलेज की कमी है। आप अगर अपना यही कोई एक स्किल अच्छा डेवलप कर ले तो आपको जॉब गारंटीड मिलेगी। किसी भी यूनिवर्सिटी का अच्छा होना जरूरी नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन और पढ़ने के लिए, मतलब सीखने के लिए एक इंस्पिरेशन होनी चाहिए कि मतलब मेरे को फोड़ना ही है ना। तो कोई एक स्किल भी अगर आप अच्छी कर ले तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। और बाकी अगर यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से बता दूँ तो यहाँ पे विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा, TCS, बायजूस, STFC, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैंपस विजिट कर चुके हैं प्लेसमेंट्स पे। अभी मेरे दौरान तो नहीं किए, मैं 2 साल से कॉलेज में हूँ, तो एंड होते भी होंगे तो हमें क्यों पता चलेगा, 3rd ईयर 4th ईयर स्टूडेंट्स को ऐसा पता चलता होगा। अब कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, जो इसमें मतलब इंटरनेट पे क्वेश्चंस लोग क्वेरी डालते रहते हैं यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हॉस्टल के मेस के फूड के रिगार्डिंग, कि वहाँ का फूड कैसा रहता है। फूड एवरेज ही रहता है और आपको जो बाहर के प्राइसेस हैं उससे थोड़ा सा चीप मिल जाता है। तो आप देखो, एक जो हार्श चीज़ बता रहा हूँ, आप पहली बार घर से निकलोगे, आप किसी भी जगह का अगर रोज़ रोज़ खाना खा रहे हो 2 महीना आपको अच्छा लगेगा। कोई भी बेस्ट जगह भी होगी, अगर आप फॉर एग्जांपल पनीर पसंद है, आप डेली डेली वो भी खाओगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बोर करने लगेगा। तो 1-2 महीना हर जगह खाना अच्छा लगता है, उसके बाद बोर करने लगता है ना। तो फूड अच्छा ही होता है, बट आपको उसके बाद चेंज करने का मन करेगा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, एंड उसके अलावा बच्चों को ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या हम CUET के अलावा भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में मेरिट बेस पे क्या एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं 2 साल पहले जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आया था तो पहली बार CUET कंडक्ट हुए थे हमारे दौरान, तो जब हम 12th पास आउट हुए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, 3 काउंसलिंग हुए थे, 3 राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, 1st, 2nd, 3rd। तो 3rd राउंड के बाद क्या हुआ था, अगर उसके बाद भी पॉसिबली सीट्स बचती हैं तो ये लोग फिर उन्होंने फर्स्ट टाइम पे ही मेरिट बेस्ड पे 12th के आपके मार्क्स के बेसिस पे इन्होंने एडमिशन 3rd काउंसलिंग में लिया था। तो इस बार का तो मुझे एक्चुअली नहीं पता, बट हाँ फर्स्ट टाइम तो हुआ था, मतलब 2 साल पहले। ओके, और सिर्फ अभी तो आप CUET पे ही ध्यान दो, क्योंकि उसके ही बेसिस पे आपको पूरे इंडिया में अभी एडमिशन मिल रहे हैं, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहे आपकी DAV। और यहाँ पे एक मैं जरूर से बता दूंगा, जो MP के बच्चे रेसिडेंट्स हैं तो मैं उनको बोलूँगा कि आपके लिए तो बहुत बेटर है कि आप MP में ही रहो। DAV भी NAC से A+ क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है, मैंने आपको बताया, कहीं पे भी जाओ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर, आपका करियर कैसा बनेगा। सो मैं कहूँगा अपने घर के पास रहो। ऊपर से दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब दिल्ली एक अलग चीज़ हो जाती है, वहाँ पे पॉल्यूशन भी है, महंगाई भी है ना। आप यहाँ पे रहोगे MP में तो आप अपने खर्चे भी अच्छे से मैनेज कर पाओगे, आप घर के भी पास रहोगे तो जल्दी आना जाना भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत होगी तो। दिल्ली थोड़ा सा दूर है। ओके, तो मैं प्रेफर करूँगा, अगर मुझे चॉइस मिलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर यहाँ पे रहने की, तो मैं यही मेरे मन में था कि MP में ही अपने को रहना है ना। इन बच्चों के मन में आता है कि कौन कौन हमारी यूनिवर्सिटीज पढ़ा है ना, एल्यूमनाइज कौन कौन रहे, तो मैं आपको बता दूँ, यूनिवर्सिटी से हमारे बहुत सारे लोग जो निकले हैं पॉलिटिक्स में गए हैं इंदौर के अंदर, चाहे वो अपने आकाश विजयवर्गीय जी हों, जीतू पटवारी जी हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, है ना, सुमित्रा महाजन जी का आपने नाम सुना होगा, तुलसी सिलावट, अवत्री चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, जनरल मनोज मुकुंद सर, तो ये सब लोग हमारे एल्यूमनाइज रहे हैं यूनिवर्सिटी से। अब इसके अलावा मैं आपको अब इस पार्ट पे बताता हूँ कि मेरा ऑनेस्ट रिव्यू क्या रहा है। तो अगर आप देखो, जो जनरल कॉलेजेस हैं उससे फीस थोड़ी सी कम मिलेगी आपको यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कोर्सेज में, है ना। तो इसके अलावा एक प्लस पॉइंट क्या है, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे चलती चीज़ें आपके, मतलब थ्रू आउट द सेमेस्टर 3 इंटरनल्स होंगे, उसमें से आपके बेस्ट 2 लिए जाते हैं, उनमें से 3 इंटरनल्स में से एक आपका असाइनमेंट होता है जिसमें आपको 15-20 नंबर मिल जा रहे हैं, 20 मार्क्स का होता है असाइनमेंट और 20 मार्क्स के सारे इंटरनल होते हैं। तो आपको बेस्ट 2 मतलब 3 में से 2 देने हैं, उसके बाद आपका जो फाइनल इंटरनल एक्सटर्नल जो भी एग्ज़ाम होता है वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होना है, आपको कहीं बाहर जाने नहीं है पेपर देने। आपके टीचर से पेपर डिज़ाइन करेंगे, आपके टीचर से कॉपी चेक करेंगे। मैं 2 साल से एक भी बुक्स नहीं खरीदा अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, है ना। इवन दो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में जो है, मेरे डिपार्टमेंट में उसमें ड्रेस तक नहीं लगती। तो मतलब आपको DAV में आ रहे हो, आपको सिर्फ वहाँ पर फीस देनी है जो कि वहाँ का खर्चा है, उसके अलावा ना आपको ड्रेस लेना है, ना कोई भी अपना रुकने खाने का खर्चा देना, उसके अलावा कुछ भी नहीं लगेगा वहाँ पे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी बेस्ट है, क्योंकि आप किसी प्राइवेट कॉलेज में होंगे, वहाँ आपको लास्ट में कोई गाइड लेनी होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने होंगे, दूसरी जगह पेपर देने जाना होगा, है ना। यहाँ आप टीचर्स अच्छी बना लो, आपने थ्रू आउट अच्छे से पढ़ाई की है, टीचर्स आपको अच्छे जानते हैं,
आपके हैंडराइटिंग जानते हैं, आप डेफिनेटली फोड़ने वाले हो ना, अच्छे ग्रेड्स बन ही बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी चॉइस रहेगी यहाँ पे आना। अगर जो बी कॉम और बी बी ए करने जो बच्चे आ रहे हैं, तो उनके मन में रहता है एस ओ सी लें कि आई आई पी एस लें कि किस जगह से करें। ऑनेस्टली मैं तो बोलूँ तो आई आई पी एस के जो एकेडमिक्स रिकॉर्ड हैं वहाँ पर ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है ऐसा कहते लोग, और अपना डिपार्टमेंट तो किसी को ही नहीं पसंद आता। तो इसलिए मैं भी बोलूँगा कि आप आई आई पी एस लेना पहली प्रेफरेंस, नहीं मिलता है एस ओ सी लेना, बट कुछ बुरा नहीं है। एच ओ डी मैम भी हमारी बहुत अच्छी हैं, हेल्पिंग नेचर की हैं, करती रहती है प्रयास। बट अगर आपको प्रेफरेंस मिले कि आपको बी कॉम करना है कि बी बी ए, तो मैं कहूँगा कि आप बी बी ए लेना, क्योंकि हमें आज तक 2 साल में एक भी इंडस्ट्री विजिट नहीं कराई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो बी कॉम है वो टेक्निकल एस्पेक्ट में मतलब बेस्ड है, हमें अकाउंटिंग ज़्यादा पढ़ाई जाएगी, हमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। पर बी बी ए का जो मैक्सिमम चीज़ है ना वो मैनेजमेंट से रिगार्डिंग है, तो उनको इंडस्ट्री विजिट्स कराए जाते हैं। मतलब आपको एक फ़न एक्सपीरियंस अगर लेना है 3 साल का, तो आप बी बी ए चूज़ करना, मैं बोलूँगा। बाकी आपकी चॉइस है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ।